अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपको एक ताज़ा तरीन खबर से आगाह करता हूँ। नवाज शरीफ और मरियम नवाज को सजाएं सुना दी गई। नून लीग के कारकुनान का एहतजाज, कपड़े फाड़ दिए। एहतसाब अदालत ने इवन फील्ड रेफरेंस में नवाज शरीफ को 10 साल, मरियम नवाज को 7 साल, जबकि कैप्टन सफदर को अनायत जुर्म में 1 साल कैद की सजा सुना दी गई है। जिसके बाद नून लीग के कारकुनान ने अदालत के बाहर एहतजाज शुरू कर दी है, जबकि दूसरी जानब तहरीके इंसाफ ने मिठाइयाँ बांटनी शुरू कर दी हैं, जबकि पार्टी तरानों पर रक्स करके जश्न मनाया जा रहा है। तफसीलात के मुताबिक आज सुबह जिस वक्त एहतसाब अदालत में फैसला सुनाने के लिए कार्रवाई का आगाज़ किया गया, तो उस वक्त सिक्योरिटी के इंतजाम इंतहाई सख्त थे, जिसके बायस गैर मुतल्लिका अफराद का दाखिला सख्ती से ममनू करार दिया गया था। ताहम फैसले में कई घंटे तखीर हुई, जिसके बाद शाम 4:30 बजे फैसला सुनाया गया, और इस मौके पर नून लीग के कारकुनान की बड़ी तादाद एहतसाब अदालत के बाहर जमा हो गई थी, जहां उन्होंने नवाज शरीफ के खिलाफ फैसला सुनकर एहतजाज शुरू कर दिया, जबकि कई अफराद ने अपने कपड़े फाड़ डाले और ख्वातीन की आंखों से कायद को सजा सुनाए जाने पर आंसू जारी हो गए। तो नाज़रीन, आप इस पर क्या राय रखते हैं? अपनी राय के इस बारे में कमेंट बॉक्स में दें। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलें। इस तरह की मज़ीद अपडेट्स के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।